लेफ्ट तीन टाइम हमने कर दिया, ये है लास्ट और इसी के साथ लेवल टू हो चुका है कंप्लीट, कर दिया भाई। बारी है लेवल थ्री की, डेथ रन हम लोग लपेट रहे हैं पूरा भाई। लेवल थ्री भी मुझे ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा, उल्टा लेवल वन और लेवल टू से भी ज्यादा इजी। ये क्या रास्ता है? हाँ इजी है, थोड़ी बहुत कटिंग्स यहाँ पर बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। चलो गाइस नो टाइम वेस्ट, गाड़ी को फटाफट से हम लोग लेकर चलते हैं लास्ट स्टेज के लिए, जिसको मैं अभी फटाफट पार करने वाला हूँ। और इसको थोड़ा ना तेज स्पीड में करते हैं, मुझे अभी ना गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आ गई है तो मैं तेज तेज चलाने वाला हूँ। अभी तक मैं थोड़ा बहुत डर डर के गाड़ी चला रहा था, बट अभी मैं थोड़ी सही स्पीड में लेकर जाने वाला हूँ, सारे लेवल्स एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ, आराम से। इतना भी तेज़ नहीं कि कटिंग पे भी मैं गाड़ी में रेस दे रहा हूँ। बाकी मैप, वो भाई ये कहाँ गए, जाना कहाँ पे? अच्छा क्लाइम करना है मुझे यहाँ से गाड़ी घुमा के। मैं ना गाड़ी बिल्कुल टच भी नहीं होने दूंगा कहीं पर, एकदम सेफली इस मैप को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत सही क्लाइम कर रही, पहले पीछे से यू टर्न लिया था, अब सेम टू सेम यहाँ से भी यू टर्न लेना है, एकदम प्यार वाला, बढ़िया। और अब एक ये टर्न यहाँ से, ऑब्स्टेकल्स आना शुरू हो गए हैं, पर मेरे को दिक्कत है सॉरी। ओए ये कहाँ चढ़ गया टायर? भाई सही बताऊँ, हमने हमारे पास ना गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो कहीं भी चढ़े कूदे अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई इसके टायर बहुत खतरनाक है। मैं वैसे टच करने की बात कर रहा था, मैंने ना थोड़ी बहुत गाड़ी ठोक दी है, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। तो यहाँ से भी गाड़ी करनी है राइट, फिर वापस से लेफ्ट, फिर वापस से राइट राइट राइट। ओए आराम से भाई, अभी तो ठुक जाती, रिवर्स करनी पड़ेगी। ओए रिवर्स करनी थी, मैंने आगे ले ली, चलो रिवर्स। और इसी के साथ हमने ये वाला लेवल भी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर क्या जंप करानी है या फिर क्या? ओ वेट आई थिंक मुझे ना यहाँ पर गाड़ी जंप करानी है, ये देखो नीचे खाई है, तो ऐसे धीरे स्पीड में नहीं भाई, ये लेवल है मुश्किल है। अभी तक देखो ड्राइविंग स्किल्स पे हम लोग काम कर रहे थे, पर अभी जंप वगैरह आ चुकी है, तो थोड़ी सी एक्सट्रीम वाली ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए। जंप कराते ही मुझे वो छोटी जंप थी, मुझे लग रहा था ज्यादा तेज रेस नहीं देनी चाहिए, पता चला गाड़ी रुकी नहीं रही, बट हाँ ठुक गए। चलो पिछली बार अच्छी जंप नहीं हुई थी, बट इस बार तो मैं बहुत ही अच्छी वाली जंप कराने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी में फुल रेस देके रखूंगा, सीधा कूदेगी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अरे नहीं ब्रेक देने की जरूरत ही नहीं है, दो जंप है ना एक साथ। चलो कोई बात नहीं, इस बार दोनों जंप ही करा दूं एकदम बढ़िया तरीके से, एक परफेक्ट जंप, दूसरी भी परफेक्ट जंप। अब रोकनी है, रुक जा प्लीज, रुक जा। वो रोक दी भाई, इस गाड़ी के कंट्रोल ही इतने अच्छे हैं, कुछ भी करो भाई इस गाड़ी के साथ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि दो जंप के बाद गाड़ी रुकेगी नहीं, आगे जाके गिर जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, दोनों जंप एकदम बढ़िया तरीके से होगी भाई, डिफेंडर गॉड है भाई। लेट्स गो, गाड़ी को एकदम टॉप पे लेकर आ चुके हैं, आगे का रास्ता भी काफी सिंपल ही दिख रहा है मुझे। ओए भिड़ी, साइड से भिड़ी है, इसका बंपर गया है, देखो मुझे पता था जिस हिसाब से आवाज आई है ना, बहुत तेज भिड़ी है गाड़ी। पर अभी गाड़ी को ना सीधे नहीं ले जाना, क्योंकि रास्ता है नहीं सीधा भाई। वेट, गाड़ी को प्रॉपर वॉल पे चढ़ा के ले जाना है, तो टायर पहले हल्के से तो लेफ्ट कर लो और गाड़ी को रिवर्स कर लो, क्योंकि अभी गाड़ी को चाहिए पिकअप, अच्छा खासा पिकअप, ठीक है, क्योंकि गाड़ी चाहिए कि ऐसे लेफ्ट से वॉल पे चढ़ गए। तो 3 2 1 भगाओ। नहीं नहीं नहीं, अबे यार टायर अटक गया यार, भिड़ी नीचे। ओके थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे ये लेवल, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इजी था और अभी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट। वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है यार, थोड़ी सी बैलेंसिंग मेंटेन रखनी है, मेरे को लग रहा है हो जाएगा, बट एक गाड़ी फिसल ले। क्या यार क्या करे, फुल रेस ही तो देनी है, गाड़ी थोड़ा सा वॉल पे चढ़ जा। अरे बाप रे भाई, ये तो पहली बुरी तरह भिड़ गई, बट इस बार हो सकता है। ओके ठीक है, स्टार्टिंग वाले टाइम पे मैं गाड़ी को ना प्यार से इस पे चढ़ने देता हूँ, चढ़ जाए एक बारी फिर रेस दूंगा। यस हो गई, अब राइट लेफ्ट, भाग, बहुत सही। अब ब्रेक भाई, कर दिया लेवल पार है भाई, डिफेंडर में दम है, ऐसी बात नहीं। अब बस ना इस गाड़ी को यहाँ से ऊपर क्लाइम कराना है भाई, बड़ी मुश्किल से पार करा, अजीब था वो, बाहर से देखने में नहीं लग रहा था, बट वो ओवरऑल बहुत तेज भगा के लानी थी और कंट्रोल करनी थी गाड़ी पे। ओके ठीक है, मतलब बाकी मैप्स में गाड़ी को धीरे ही चला के काम हो सकता था, पर ये वाले मैप में गाड़ी को प्रॉपर भगाने का काम। चलो ठीक है, अभी जहां तक यहाँ से चढ़ जानी चाहिए, इसका टायर नीचे ना जाए तो बेटर है। चढ़ जा, बहुत सही। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है और लेवल कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पर गाड़ी अटक सकती है, ये प्रॉपर वही जिगजैग वाला एरिया जहाँ पे गाड़ी बीच से फंस जाती है, तो अच्छी खासी स्पीड में जाएंगे ताकि गाड़ी बीच से ना फंसे एकदम। ओए भाई, ओए आराम से, ओए टूट रही है गाड़ी मेरी बहुत ज्यादा, टेढ़ी करके निकालूंगा। यस हो गया भाई, अभी हुआ नहीं है, वैसे रुक जाओ, अभी डोनट से आ गए हैं। यहाँ पर गाड़ी को एकदम प्यार से निकालना है, सिंपल है, यहाँ तो थोड़ा कंट्रोलिंग का खेल है सारा, जो कि तुम्हारा भाई माहिर है। फिर यहाँ से राइट और फिर स्ट्रेट, डन सीन भाई। तो फाइनली
डेथ रन हमने कंप्लीट कर दिया है। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, हो सकता है डिफिकल्ट हो पर तुम्हारे भाई की ड्राइविंग अच्छी है, तो इसीलिए हमने एक ही बार में तो नहीं, दो तीन बार गिरा हूं। फर्स्ट वाले में दो बार गिरा था और लास्ट वाले में तो थोड़ी सी बैंड बज ही रही थी पर अचानक से मैंने पार कर दिया। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में उज्जवल भाई खेल रहा है बीम एनजी ड्राइव। आज उज्जवल भाई कार चलाने वाला है बहुत ही ज्यादा डेंजरस मैप पे। इस मैप का रास्ता बहुत ही ज्यादा उबर खबर ऑफ रोडिंग पार्कोर वाली रास्ता है। एकदम प्यार से ध्यान से संभाल के चलाना है, अगर गाड़ी हल्की से भी इधर उधर हुई तो गाड़ी सीधा नीचे पानी में गिर जाएगा। ओके तो गेम स्टार्ट हो चुका है। रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा उबर खबर टेढ़ा मेढ़ा है। इस उबर खबर रास्ते से होते हुए उज्जवल भाई को फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना है। उज्जवल भाई कार चूज कर लेता है पर जब बात आती है ना ऑफ रोडिंग करने की, तब उज्जवल भाई के पास दो ही गाड़ी आता है, एक है जी वैगन और दूसरा है डिफेंडर। उज्जवल भाई डिफेंडर ले लेता है और डिफेंडर को स्टार्ट करके आराम आराम से जा रहा था ताकि पानी में गिर ना जाए। थोड़े आगे जाने के बाद अटक जाता है, ये कार 4x4 था फिर भी अटक जाता है। उज्जवल भाई बहुत ट्राई करता है कि गाड़ी को निकालने की, पूरा एक्सीलेटर दबा देता है फिर भी कोई काम नहीं आता। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद उज्जवल भाई मान लेता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा था। ओके तो उज्जवल भाई दोबारा ट्राई करता है। उज्जवल भाई इस बार तेज स्पीड में भगा के लेके जाता है, पिछली बार धीरे धीरे चलने के चक्कर में अटक गया था। उज्जवल भाई वापस आ चुका है उसी जगह पर जहाँ पर लास्ट टाइम उज्जवल भाई अटक गया था। इस बार स्पीड थोड़ा बढ़ा देता है और इस बार पार कर जाता है और थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है गाड़ी पे, आगे वाली बम्पर डैमेज हो चुका है। उज्जवल भाई आराम आराम से आगे चला जाता है, थोड़े आगे जाने के बाद गाड़ी रुक जाता है फिर से अटक जाता है। आगे वाला बम्पर टूट गया था तो वो ही गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी अटक गया। उज्जवल भाई गाड़ी रिवर्स में ले लेता है और आगे वाला बम्पर निकल ही जाता है, पूरा बम्पर निकल के और आगे जा रहा था। इस बार तो एग्जॉस्ट का पाइप ही निकल जाता है। रास्ता सही में खतरनाक है और आगे जाने पर पीछे वाला बम्पर भी निकल जाता है और आगे चला जाता है। और उज्जवल भाई के पास दो रास्ते आ जाता है, या तो उबर कवर रास्ते से जाओ या फिर पुल से जाओ। उज्जवल भाई पुल वाला रास्ता चूज कर लेता है और उज्जवल भाई मक्खन की तरह आराम आराम से चला के लेके जाता है और फाइनली पुल पार कर लेता है। पुल पार करने के बाद एक राउंड वाली टायर के ऊपर से लेके जाने होंगे गाड़ी को। उज्जवल भाई आराम आराम से चला के लेके जा रहा था, उज्जवल भाई पार करने ही वाला था पर टायर फिसल के उज्जवल भाई पानी में गिर जाता है। दोबारा ट्राई करता है, इस बार उज्जवल भाई आराम से पार कर लेता है और उज्जवल भाई फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है और इसी के साथ लेवल 1 यही खत्म हो जाता है। अभी बारी है लेवल 2 का। उज्जवल भाई लेवल 2 में भी आराम आराम से चला के लेके जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है पर उज्जवल भाई वो भी आराम से पार कर लेता है। उज्जवल भाई और भी आगे चला जाता है, उबर कवर टेरा मेरा रास्ते से क्लाइम कर करके और भी बहुत सारे डिफिकल्ट रास्ते आ रहा था पर उज्जवल भाई आराम आराम से पार कर लेता है और इसी के साथ लेवल 2 भी कंप्लीट कर लेता है। अभी बारी है लेवल 3 की। इसके बाद जो हुआ और उज्जवल भाई लेवल 3 को कैसे कंप्लीट कर लेता है वो तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुका है। अगर आप फुल गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल गेम प्ले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह उज्जवल भाई की तगड़ा वाला फैन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए।